ओके गाइस, स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आ सकते हैं? काफ़ी सारे लोग के मन में कई सारे डाउट हैं कि सर क्या मेरा 70% है हो जाएगा, 80% है हो जाएगा। तो सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है, कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितने परसेंट वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा और सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फाइव में, सिक्स, ठीक है। क्योंकि देखो लिस्ट जो आती है मेरिट लिस्ट केवल एक दो तीन नहीं आती है, पांच छह लिस्ट आती है और कुछ स्टेट का तो चार पांच ही आता है, ठीक है, जहां कम डिवीज़न रहता है वहां का, ठीक है। तो अभी मैंने देखा काफ़ी सारे लोग वीडियोज अभी बना रहे हैं। पहले मैं वीडियो सर्च किया कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसमें कुछ लोग लिख रहे हैं कि 50% वालों का ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। आप लोग एक बात बताइए कि आप लोग को लगता है कि ये हो जाएगा 50% वालों का फर्स्ट लिस्ट में? आपने कभी देखा है? अगर आपको कट ऑफ लिस्ट देखना है पुराना वाला, ठीक है, लास्ट ईयर का 2023 का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप बात भी कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है, अगर डाउट क्लियर करना हो, कोई भी डाउट हो, तो ग्रुप भी है, चैट भी है, आप जाके चैट कर सकते हैं। एंड वहाँ पर मैं सभी स्टेट का पीडीएफ शेयर किया हूँ, जाके देख लीजिए लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं अपने थंबनेल में कि भाई 50% वालों का फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि फर्स्ट लिस्ट में कितना चांस है, कितने परसेंट वालों का आएगा नाम इस बार, ठीक है, पुराने कट ऑफ के हिसाब से बता रहा हूं। देखो फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें 80-88% वालों का हो सकता है, 90, 95 और 100, ठीक है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ इसमें खींचता है, चाहे वो यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जहाँ हो, ठीक है, केवल नॉर्थ ईस्ट, मतलब थोड़ा इधर उधर साइड का, अलग साइड का छोड़ के बाद मैं बात कर रहा हूँ, और सभी स्टेट का जो है वो बहुत हाई कट ऑफ खींचता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो इसमें 80, 90, 95, 100 जिसका परसेंट है उसका ही होएगा, ठीक है, आप लोग देख लेना। एंड जो सेकेंड लिस्ट है उसमें भी 80, 75 और 90, इतने तीन लोगों का हो सकता है, और जो थर्ड लिस्ट है उसमें 85, 80, 75, 70 तक जा सकता है थर्ड लिस्ट में, ठीक है। बाकी जो पांचवे से छठवां लिस्ट आता है उसमें हो सकता है 60, 62, 63 SC ST OBC वालों का, और PWD वालों का भी हो सकता है 70-80, क्योंकि देखो इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है तो चांस है कि कुछ लोग का और हो जाए, ठीक है, जो पाँचवीं छठवीं लिस्ट आएगी उसमें और सारे लोग का भी हो जाएगा, ठीक है। तो वेट करिएगा, ज़रूर आएगा, आपका नाम भी आ सकता है, ठीक है। बाकी जैसे मैंने बताया कि आप जाके एक बार कट ऑफ देख लीजिए लास्ट ईयर, आपको खुद समझ आ जाएगा। बाकी मैं यहाँ पर यूआर वालों का बात करने वाला हूँ, 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। यूआर का जो है 84 से 94 है। देखो ये जो गूगल में कट ऑफ दिखाते हैं और जो लास्ट ईयर कट ऑफ बना के इकट्ठा दिखाते हैं कि कितना कट ऑफ गया है, तो ये उस हिसाब से दिखाया जाता है कि सबसे कम परसेंटेज में लास्ट लिस्ट में कितना गया था परसेंटेज, ठीक है। ये ना समझो कि 94-95 सीधा दिखाएगा, देखो टोटल ये जो कट ऑफ दिखाते हैं, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं मैंने लिखा है, जो कट ऑफ दिखाया जाता है गूगल में, आप सर्च करोगे 2023 का कट ऑफ कितना गया था, ठीक है, कैटेगरी वाइज, तो वहां पर दिखाता है सबसे कम वालों का, मतलब कि लास्ट ईयर में जिसका सबसे कम परसेंटेज में हो गया था सिलेक्शन उनका दिखाता है। वरना आप ऐसे सर्च करोगे, ऐसे देखोगे तो भाई उसमें सीधा 95, 94, 100 दिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको यूआर को बता दूं तो सबसे कम में हुआ था 84 से 94 के अंदर सभी का हो गया था, और EWS का 83 से 90, और जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं उनका 79 से 88, ठीक है, यानी 79 से 88, ओके। और जो SC का है 79 से 87, और ST का है 78 से 84, और PWD का है 68 से 77। PWD का 68 अगर है तब भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लोग का हो रहा है। SC ST 79-78% जिसका है वो हो जाएगा, बाकी 70 वालों का भी हो सकता है, 75 वालों का भी हो सकता है, लेकिन पांचवे से छठवें लिस्ट में होगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड दिखाया गया था, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप लोग को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।